प्रिय छात्र छात्राओं, सप्रेम नमो नमः। आज मैं आपको क्लास टेंथ कक्षा दसवीं के संस्कृत पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, संस्कृतस्य पाठ्यक्रमः कक्षा दसवीं अंका 80 विषय कोड 122 122 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के द्वारा जो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उसमें आपके लिखित परीक्षा के लिए 80 अंक निर्धारित है। उन 80 अंक का विभाजन पाठ्यक्रम के लिए 4 खंडों में किया गया है। प्रथम खंड क, जिसका नाम है अपठित अवबोधनम्। द्वितीय खंड ख, रचनात्मक कार्यम्। तृतीय खंड ग, अनुप्रयुक्त व्याकरणम्। चतुर्थ खंड ग, पठित अवबोधनम्। सर्वप्रथम मैं आपको खंड क के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा हूं, जिसका नाम है अपठित अवबोधनम्। आपके लिखित प्रश्न पत्र में जो कि 80 अंक का होगा उसमें खंड क 10 अंक का आता है। वो पहला प्रश्न होगा जिसमें आपके एक अपठित अनुच्छेद आता है, उसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं और उसमें अ ब स और द इस श्रेणी में अलग अलग 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम जो अ श्रेणी का प्रश्न होगा उसमें कुल 3 प्रश्न होंगे, जिसमें से छात्र को 2 प्रश्न अच्छी तरह से समझकर करने होते हैं। उसके लिए वहां एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर लिखिए, ऐसा निर्देश होगा। उन 3 में से छात्र को बेस्ट 2 प्रश्न के उत्तर लिखने चाहिए। ब शीर्षक के अंतर्गत पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए, ऐसे 3 प्रश्न आएंगे। उनमें से छात्र को 2 जो वो अच्छी तरह से कर पाए उन प्रश्नों का उत्तर सोच समझकर लिखना है। फिर स जो प्रश्न आएगा उसके लिए लिखा होगा अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत, इस अपठित अनुच्छेद अनसीन पैसेज के लिए उचित शीर्षक लिखिए। द श्रेणी के अंतर्गत 4 प्रश्न आते हैं, उनमें से छात्रों को कोई भी 3 अच्छे लगने वाले प्रश्न हल करने हैं। ये भाषिक कार्य ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न होंगे, ये विकल्पात्मक होंगे, भाषा से संबंधित होंगे और इसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण विशेष्य, पर्याय पद, विलोम पद इत्यादि के बारे में पूछा जाता है और ये क, ख, ग विकल्प के रूप में होंगे और उनमें से आपको चयन करके सही उत्तर लिखना है। इस प्रकार इस अपठित अनुच्छेद के अंतर्गत अ, ब, स और द ये 4 प्रकार के प्रश्न होंगे और उनके उपभाग होंगे। यह प्रश्न बहुत ही सरल और अच्छा होता है। इस प्रश्न को आप 20 से 25 मिनट में अच्छी तरह से सोच समझकर हल कर सकते हैं। 3 घंटे के पेपर में, 3 घंटे के प्रश्न पत्र में इस प्रश्न के लिए आपको अनसीन पैसेज के लिए, अपठित अनुच्छेद के लिए 20 से 25 मिनट का समय देना चाहिए। इस प्रश्न में प्राय बहुत कम अंक कटते हैं और बच्चे पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर पाते हैं। आपके लिखित प्रश्न पत्र में द्वितीय खंड, खंड ख, रचनात्मक कार्यम
इस शीर्षक से आएगा। इसमें कुल 3 प्रश्न आते हैं जिसके लिए 15 अंक निर्धारित है। इस खंड का अंक भार 15 होता है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, खंड ख रचनात्मक कार्यम, इसमें जो प्रथम प्रश्न होगा पत्र लेखनम से संबंधित होगा। वहां संकेत आधारित पत्र आता है, वो औपचारिक या अनौपचारिक कैसा भी हो सकता है, पूरा पत्र लिखा हुआ आएगा। बीच बीच में 1 से लगाकर 10 तक रिक्त स्थान होंगे। नीचे मंजूषा में 10 सहायक शब्द आएंगे, उनमें से 25 शब्दों का चयन करके आपको यथा स्थान भरना है। इस प्रश्न में छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि पत्र उनको उत्तर पुस्तिका में पूरा लिखना है, 1 से लगाकर 10 तक के अंक भी डालना है और शब्दों का सही चयन करके उचित स्थान पर भरना है। पत्र बहुत ही सरल और सहज आते हैं। सही शब्दों का चुनाव करके इस प्रश्न में छात्र पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो तीसरा प्रश्न आएगा वो चित्र वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम के अंतर्गत आएगा। यह अथवा वाला प्रश्न है और कल्पना शक्ति के आधार पर करना होता है। जो खंड ख है रचनात्मक कार्यम, इसका अर्थ ही होता है इमेजन, कल्पना शक्ति के आधार पर हल करिए। तो चित्र वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम, यदि आप चित्र वर्णनम वाला प्रश्न करते हैं तो इसमें आपको सरल संस्कृत भाषा में छोटे छोटे 5 वाक्य बनाने हैं। इस प्रश्न के लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। तो छात्रों को उचित कर्ता, कर्म, क्रिया इत्यादि का ध्यान रखकर छोटे छोटे संस्कृत भाषा में प्रदत्त विषय पर कल्पना के आधार पर मंजूषा में जो शब्द दिए उनका सारा लेकर चित्र को अच्छी तरह से देखकर सोच समझकर 5 वाक्य बनाने होते हैं। और अगर आपको चित्र वर्णन का कार्य कठिन प्रतीत होता है तो आप अथवा वाले कार्य की ओर जा सकते हैं और वहां पर अनुच्छेद लेखनम भी आएगा। अनुच्छेद का अर्थ होता है आपको विषय प्रदान कर दिया जाएगा, सहायक शब्द होंगे उनको आधार बनाकर आपको 5 वाक्य बनाने हैं। अनुच्छेद प्रायः बिना नंबर डाले एक पैराग्राफ के रूप में लिखना होता है। इसमें भी आपको मोटे रूप से 5 वाक्य ही बनाने हैं, लेकिन उनमें 1, 2, 3, 4 और 5 अंक नहीं डालने। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इस विषय पर अनुच्छेद दे दिया तो नीचे मंजूषा में 10 से 15 सहायक शब्द होंगे, उनकी सहायता से आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर 5 वाक्य छोटे छोटे संस्कृत भाषा में लिखने होते हैं, बनाने होते हैं। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित है। यह छात्रों के ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें चित्र वर्णन वाला प्रश्न हल करना है अथवा अनुच्छेद लेखनम वाला प्रश्न हल करना है। चित्र वर्णन में पिक्चर चित्र बना हुआ होगा और अनुच्छेद लेखनम में प्रदत्त विषय होगा। दोनों में ही आपको सहायक शब्दों के माध्यम से 5-5 वाक्य संस्कृत में बनाना है। दोनों में से एक ही करना है, इसके लिए 5 अंक निर्धारित है। आपके लिखित प्रश्न पत्र में ख खंड में जो तीसरा प्रश्न आएगा वो होगा संस्कृत भाषायाम अनुवाद कार्य। यह प्रश्न पत्र में 5 वाक्य हिंदी भाषा में भी लिखे हुए होंगे और नीचे अंग्रेजी में भी लिखे हुए होंगे, तो इन छोटे छोटे 5 वाक्यों को आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो यह प्रारंभिक संस्कृत का जो बेसिक नॉलेज है उसके आधार पर इस प्रश्न को हल किया जाता है। उचित कर्ता,
कर्म क्रिया सहायक क्रिया विशेषण विशेष्य इत्यादि का ध्यान रखकर यह संस्कृत अनुवाद कार्य संपन्न हो जाता है। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार ये क खंड और ख खंड में टोटल कुल 4 प्रश्न होते हैं। ख खंड के लिए आप अधिकतम पत्र लेखन के लिए 10 मिनट का समय, चित्र वर्णन अथवा अनुच्छेद लेखन के लिए 10 से 15 मिनट का समय और संस्कृत भाषा के अनुवाद कार्य के लिए 10 से 15 मिनट का समय दे सकते हैं। तो समय सीमा में आपका प्रश्न पत्र पूरा हो जाएगा और कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं।